16 साल बाद आमिर के साथ काम करेंगे दर्शील सफारी अपकमिंग प्रोजेक्ट का फर्स्ट लुक शेयर किया। दर्शील सफारी ने साल 2007 में आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर से बतौर चाइल्ड एक्टर बॉलीवुड डेब्यू किया था। ये फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल रही थी और दर्शील रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। अब 16 साल बाद दर्शील एक बार फिर से आमिर खान के साथ काम करने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शेयर की है। दर्शील ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने आमिर के साथ एक कोलाज शेयर किया है। इस फोटो में दो तस्वीरें हैं, पहली 16 साल पहले रिलीज हुई फिल्म तारे जमीन पर के एक सीन की है, वहीं दूसरी में दोनों एक्टर रीयूनियन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करते हुए दर्शील ने इंस्टाग्राम में कैप्शन में लिखा, बूम 16 इयर्स लेटर एंड वी आर टुगेदर अगेन, इमोशनल या अ लिटिल चार्ज्ड, एब्सोल्युटली ऑल द लव टू माय फेवरेट मेंटोर फॉर द एक्सपीरियंस, वॉच दिस स्पेस फॉर द बिग रिवील, 4 days to go। भले ही दर्शील ने अभी तक इस प्रोजेक्ट का नाम और डिटेल शेयर नहीं किया है, पर रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान की अगली फिल्म सितारे जमीन पर में वो नजर आएंगे। इस फिल्म का सब्जेक्ट भी तारे जमीन पर के सब्जेक्ट से मिलता जुलता है। आमिर इस फिल्म के प्रोड्यूसर होने के साथ साथ इसमें एक्टिंग करते हुए भी नजर आएंगे। वहीं वर्क फ्रंट पर इस फिल्म के अलावा आमिर सनी देओल स्टारर लाहौर 1947 भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये अगले साल रिपब्लिक डे पर रिलीज हो सकती है। वहीं दर्शील की पिछली फिल्म 2003 में रिलीज हुई हुकुस पुकुस थी।